फरीदाबाद में प्रदेश का डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला मिलने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। विभाग द्वारा पिछले दो दिन से संक्रमित के परिजनों और उस क्षेत्र के लगभग 4,000 लोगों की जांच और वैक्सीनेशन के लिए विशेष शिविर चलाया गया है। सिविल सर्जन के अनुसार फिलहाल उक्त व्यक्ति के परिजन जाँच के दौरान स्वस्थ पाए गए हैं, जो कि राहत की बात है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जब हमें इसकी सूचना मिली है तो उस एरिया को हमने सबको हाउस टू हाउस सर्वे वहाँ करवा दिया गया है और वहाँ जितने भी आईएलआई के केसेस थे, गला खराब खांसी के जितने भी केसेस थे, उन सबके सैंपल हमने कल भी लिए हैं और बचे हुए आज भी लिए हैं। इस व्यक्ति के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट थे, चाहे वो दुकानदार था, दूध वाला था, चाहे होकर था, चाहे वो सब्जी वाला था, उन सभी के, इनके रिश्तेदारों के सभी के हमने जांच करवा ली है और वो सभी नेगेटिव मिले हैं, स्वस्थ मिले। सिविल सर्जन ने बताया कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज द्वारा 165 नमूने जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से डेल्टा प्लस वेरिएंट एक मामला पाया गया। बल्लभगढ़ वासी संक्रमित व्यक्ति आईटी प्रोफेशनल है और दिल्ली में नौकरी करता है। इन्होंने सैंपल भेजे जिनमें से एक में ये जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पे इसमें म्यूटेशन इस केस में मिला है हमारे पास। ये केस चूँकि दिल्ली में जॉब करते हैं, रहते हैं ये व्यक्ति, यहाँ बल्लभगढ़ में रहते हैं, परंतु दिल्ली में किसी ऑफिस में काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, इसके अतिरिक्त अप डाउन करते हैं। इनकी हिस्ट्री जो हमने इतिहास इनका लिया है उसमें 28 अप्रैल को इन्होंने शादी अटेंड करी है, 29 तारीख को भी दिल्ली गए हैं, 30 तारीख को इनको थोड़ी सी बुखार महसूस हुई है, 2 तारीख को इनको खांसी महसूस हुआ है, उसके बाद 4 तारीख को इन्होंने हमारी FRU 2 सेक्टर 3 बल्लभगढ़ से इन्होंने जांच कराई जो कि पॉजिटिव पाया है।